हाय गाइस, मेरा नाम अनन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मोटो 4G या मोटोरोला का कोई भी फोन को अगर आप उसका FRP अनलॉक करेंगे अपने UMD डोंगल से या मेडिकल बॉक्स से, तो दोस्तों उससे पहले आपको जो है उसकी USB ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको USB ड्राइवर इंस्टॉल करने के बारे में बता दूंगा और USB ड्राइवर कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस मोबाइल को आप देख रहे हैं, इसमें FRP लॉक है, इसका FRP अनलॉक करेंगे आज हम UMD डोंगल से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल का FRP अनलॉक करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ड्राइवर आप देख रहे हैं ये मोटो 4G जो मोबाइल है, मोटोरोला का जितने भी फोन है उन सभी फोन पे ये ड्राइवर वर्क करेगा। सबसे पहले आपको इस ड्राइवर को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस फाइल को, ये कंप्रेसर फाइल है, इसे आपको एक्स्ट्रा एयर करना होगा, तो जिस तरह से हम आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरह से आपको करना है, और इस सेटअप को आपको एक्स्ट्रा करना है। और जैसे आप एक्स्ट्रा करेंगे, इसके बाद इसके अंदर में जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी यहाँ पे जो है फाइल है, इस फाइल को भी आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप इस फाइल को ओपन करेंगे, फिर इसके अंदर में एक फाइल है, फिर इसे आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्राइवर, ठीक है। तो आपको ये सेटअप जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सेटअप को आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, ताकि सभी जो मोटो 4G का जो मोबाइल है, मोटोरोला का जो मोबाइल है, वो सभी आपका जो मोबाइल जो है आपके सिस्टम से बूट कर सके। तो इस सेटअप को हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है और यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो आपको जब भी आप ओपन करेंगे सेटअप को, तो आपको इंस्टॉल करने का वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आप इसे नेक्स्ट करेंगे और ये जो सेटअप है आपके कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये सेटअप पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा कंप्यूटर में, उसके बाद आप मोटो 4G का कोई भी मोबाइल अपने कंप्यूटर में लगाएंगे USB डाटा केबल के जरिए से, और आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली ड्राइवर लेगा और आपका मोबाइल बूट करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपना UMT डोंगल का जो अल्टीमेट मल्टी टूल है, जो है MTK वाला टूल है, उस टूल को आपको ओपन कर लेना है मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए। तो चलिए इस टूल को पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर का जो टाइम एंड डेट जो है बिल्कुल गलत है, जिस कारण से यहाँ पे इस तरह से ये लिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर का टाइम जो है बिल्कुल सही करना होगा। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर का टाइम को पहले अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों, डेट एंड टाइम हमने अपने कंप्यूटर का सही कर दिया है। चलिए इसे हम क्लोज करते हैं, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इस टूल को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मीडिया टेक वाला जो टूल है UMD डोंगल का, ये टूल ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें मान के चलिए मोटोरोला का जो हमारे पास फोन है, ये मॉडल है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये मॉडल हमारे पास है, तो इस मॉडल का FRP हमें अनलॉक करना है। तो मॉडल नंबर सेलेक्ट करने के बाद रिसेट FRP पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद मोबाइल को हमें बूट कराना है। तो मोबाइल को बूट कैसे कराना है, दोस्तों मैं बता दूँ, मोबाइल को ऑफ कर देना है पहले पूरी तरह से। उसके बाद मोबाइल में बैटरी लगी हुई होनी चाहिए और डाटा केबल हमें मोबाइल में लगाना है। और जैसे हम मोबाइल में डाटा केबल लगाएंगे, उसके बाद हमारा ड्राइवर जो ऑटोमेटिकली लेगा। दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है अपने कंप्यूटर से। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे हमारे उस मोबाइल का जो है मोटोरोला का जो फ़ोन है हमारे पास, उसका ड्राइवर यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रहा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं और ड्राइवर को अपडेट होने के लिए देते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि ये ड्राइवर जो है अपडेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा कि फिर से मोबाइल को निकाल देना होगा, बैटरी फिर से मोबाइल का निकाल देना है, उसके बाद फिर से बैटरी लगा देना है मोबाइल में, फिर डाटा केबल हमें लगाना है। तो दोस्तों, हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने मोबाइल का बैटरी निकाल के दोबारा कनेक्ट किया हमने मोबाइल को, तो मोबाइल हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे बूट कर चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका FRP भी जो अनलॉक हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मोबाइल को ऑन करके कि मोबाइल का FRP अनलॉक हुआ कि नहीं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।